एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित पंडेरा गांव पड़ा। लगभग 2700 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मेम बेगम हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रही हैं। लगभग 1650 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 300 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 100 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर, 6 सोलर लाइट व 40 स्ट्रीट लाइट भी गाँव में लगवाई गयी है तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 15 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 2 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, 5 सीसीटाइज रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवास, बस स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, जनसेवा केंद्र, शमशान घाट, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 शौचालय, 50 सीसी टाइल्स रोड व 25 खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। पुत्र पंडेरा फार्म, जैसा कि आपको पता ही है, लेकिन इस सरकार में ना तो कोई पेंशन है, ना कोई रोजगार है, और दूसरी बात नरेगा का ना कोई पैसे का पता है। पहले अपना पेमेंट हो जाता था, 8 दिन के अंदर पैसा हो जाता था, आज 3-3 महीने पेमेंट की दिक्कत रहती है। लेबर की इतनी बड़ी परेशानी है, काम कराने के लिए चले तो लेबर होती नहीं है, और अभी तक हमने जो काम कराए हैं कार्य योजना के हिसाब से पैसा जो हमारा पूरा तरीके से भी नहीं आ पाता है, और ना ही टाइम से पैसा आ रहा है, ना टाइम से काम हो पाता है। जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा विकास होगा। तो हमारे गाँव में ज़रूरत है, आज के टाइम में हमें पंचायत घर की और आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए, बारात घर चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, और शमशान शेड की ज़रूरत है। ये मेन चीज़ें जो हैं, ये चीज़ हमें चाहिए हर हाल में, और ये दरख्वास्त है हमारी सरकार से कि इस चीज़ पे गौर करें और कोशिश जल्द से जल्द करके कि हमारे गांव में ये चीज़ों की सुविधा उपलब्ध हो। प्रधान है, मैं पंडेर रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव के प्रधान जो हैं अच्छा काम करते हैं, और मैं चाहता हूँ यही प्रधान रहे और हर बार यही जीते। सयाना है, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय पंडेरा में हूँ, मैं एक ही टीचर हूँ और कोई नहीं है। मेरे यहाँ टोटल 23 बच्चे हैं, बच्चों बैठ जाओ, 23 बच्चे हैं टोटल, और खाना मिलता ही है, ठीक ठाक मिलता है खाना। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पंडेरा, मेरे विद्यालय में एक टीचर, मैं खुद और 2 शिक्षा मित्र, 3 का स्टाफ है और 89 बच्चे हैं।